आज हम आए थे, इलेक्शन कमीशन ने जो दावत दी थी अपने खदशात और तहफ़ुज़ात के हवाले से, जो हमारी पार्टी की पॉलिसी थी उनके सामने हमने रखा कि बलूचिस्तान में जो इससे कबल इलेक्शन हुए हैं, जो तहफ़ुज़ात और खदशात हमें थे, हमने तफसील से उनसे बात की और इलेक्शन कमीशन के सरबरा और उनकी जो पूरी टीम थी उन्होंने काफ़ी गौर से सुना और जो अहम मेजर्स इश्यूज़ थे इलेक्शन के हवाले से, बलूचिस्तान के हवाले से, हमने उन्हें बताई। हमारी पार्टी का एक वाज़े मौक़िफ़ है, एक जमहूरी पार्टी होने के नाते, एक सियासी जमात होने के नाते, हमें चाहते हैं कि जी इलेक्शन टाइम पे हो। जो कबल वक्त नेशनल असम्बली डिज़ोल्व की गई थी तो उसके बाद आर्टिकल 224 के मुताबिक 90 डे में इलेक्शन होना लाजमी है, तो जिस तरीके से दीगर जमातों ने मौक़िफ रखी, बहुत सी जमातों के मौक़िफ मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि मेजॉरिटीज पार्टी ये कह रहे हैं कि इलेक्शन बर वक्त टाइम पे हो ताकि जमहूरियत के लिए, जमहूरी इदारों के लिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए, जमहूरी सोच और फिक्र को फ़रोग देने के लिए इलेक्शन वक्त पे होते हैं, तो एक इंटरनेशनली एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान में जमहूरियत परवान चढ़ रही है। अगर इलेक्शन में डिले हो जाता है तो यकीनन इसके जो नतायज है वो मजबूत नहीं होंगे, माइनस ही होंगे। तो हमारी पार्टी का बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए। दूसरी बात यह कि जो नए मर्दमशुमारी के हवाले से CCI के जो मीटिंग हुआ था उसमें दो निगरान हुकूमतों के वज़ीर आला बैठे हुए थे, जो उनके पास ये मैंडेट ही इख्तियार ही नहीं है कि वो CCI मुश्तका मुफादात कौंसल के मीटिंग में बैठ के मर्दमशुमारी के हवाले से या डीलिमिटेशन के हवाले से वो बात करें। और उन्होंने बलूचिस्तान के साथ तो ज़्यादती की है कि बह की जुम्बिश कलम बलूचिस्तान के 70 लाख की आबादी को उन्होंने कम कर दिया, और इसके बाद जो दो सूबों से ताल्लुक़ रखते वज़ीर आला थे इनके पास इख्तियार ही नहीं था कि वो इतने बड़े फ़ैसले करते। तो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रख के अगर पुराने मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो तो काफ़ी बेहतर है, क्योंकि अगर जिसे किसी इजलास में CCIO में जो मीटिंग्स हुए थे तो उसमें इख्तियार उन्हें नहीं था। तो लिहाजा एक होनी चाहिए कि इलेक्शन बर वक्त हो और टाइम पे हो ताकि कोई उसमें मुश्किलात पेश ना आए लोगों को। बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि पुरानी मर्दमशुमारी क्यों करें? जी, पुरानी मर्दमशुमारी का वो जो CCI का जो मीटिंग हुआ था उसके पास जो CCI का जो मीटिंग हुआ था दो वज़ीर आला ऐसे थे जो निगरान हुकूमत के वज़ीर आला थे, उनके पास वो मैंडेट इख्तियार ही नहीं था कि वो CCI का मीटिंग कॉल करे में फैसला करे कि जी नए डीलिमिटेशन हो। सर, आपके मुकालबे पर क्या इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया? देखिए जी मैं बताऊँ, जो इलेक्शन कमीशन ने हमारी बातें बारीकबीनी से सुने, अच्छे अंदाज में सुने, उन्होंने कहा कि जो हर पार्टी के हम जितने भी मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं हम उन्हें देख रहे हैं और उसके बाद हम किसी फैसले तक पहुँचेंगे। देखिए जी, हम तो हर फोरम पे इस अपने जो खदशात और तहफ़ुज़ात थे तो हम उसके हवाले से बात करेंगे, चाहे सेमिनार हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे दूसरा फोरम हो। हम ये कहेंगे कि जो CCI का मीटिंग हुआ था उनके पास वो इख्तियार ही नहीं था, जो मीटिंग में बैठ के फैसला करते। ठीक है।